पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप और मालदीव की चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल होने और उन्हीं तस्वीरों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है। अब दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप के टूरिज्म सेक्टर को इससे बूस्ट मिल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। देश के दिग्गज कंपनियों ने लक्षद्वीप में होटल्स खोलने का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच लक्षद्वीप जाने वाले सभी टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्या है वो जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। मालदीव और भारत के बीच शुरू विवाद का फायदा अब लक्षद्वीप को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलो लक्षद्वीप भी ट्रेंड में है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद से लक्षद्वीप के टूरिस्ट स्पॉट्स की सर्चिंग में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में लक्षद्वीप को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए तमाम कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है। इस मामले में एयरलाइन कंपनियां भी आगे हैं। स्पाइसजेट ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर सकती है। स्पाइसजेट के इस ताज़ा ऐलान के बाद से लक्षद्वीप जाने वाले सभी पर्यटकों के लिए फ्लाइट की सुविधा और बेहतर होने वाली है। दरअसल कंपनी के सीईओ अजय सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि स्पाइसजेट जल्द ही लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। अजय सिंह ने बुधवार को हुई कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि स्पाइसजेट के पास लक्षद्वीप में फ्लाइट सेवाएं शुरू करने का विशेष अधिकार है। साथ ही उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप में अगाती आइलैंड एकमात्र हवाई क्षेत्र है, मगर यहां हर तरह के विमान नहीं उतर सकते हैं। अब स्पाइसजेट के इस फैसले से लक्षद्वीप के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा बूस्ट मिल सकता है। वैसे अजय सिंह ने लक्षद्वीप के साथ साथ जल्द ही अयोध्या के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है। बता दें, इंडिगो एयरलाइन पहले ही देश के कई बड़े शहरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर चुकी है। बहरहाल स्पाइसजेट के लिए अच्छी बात यह रही कि कंपनी को हाल ही में फंड जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स और बोर्ड की मंजूरी मिली। एजीएम में सीईओ अजय सिंह ने बताया कि 2,250 करोड़ रुपए के फंड का बड़ा हिस्सा एयरलाइन को और विकसित करने में यूज किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि ये फंड इक्विटी शेयर और वारंट के जरिए जुटाया जाएगा। अब स्पाइसजेट के इस बड़े ऐलान से एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में लक्षद्वीप और अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त फायदा हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।